हाथ पर टूट जाएगा तब काम कर जाएगा। तो ये सबका जिम्मेदार आखिर है कौन? तो ये सबका जिम्मेदार कौन है, क्या देखते नहीं? देखो ये ऑन कैमरा नमस्कार, मैं मुनव्वर शेख, नुक्कड़ लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोवंडी के बेगवाड़ी ओल्ड बस डिपो कमारामा नगर के पास, जहां पर एक नाला है। नाले में इतनी गंदगी है जो कभी साफ़ नहीं होता है, और नाले में ब्रेकर भी है। देखो आप देख सकते हैं, ये नाले का हाल है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएँ मौजूद है स्थानीय यहाँ की, जिनका आरोप है कि यहाँ पर आए दिन बच्चे गिरते हैं, छोटे खेलते खेलते बच्चे, और यहाँ पर आग लगा के इनको बुझाया जाता है। तो आइए हम बात करते जानते हैं आप किस तरह की परेशानी है। अरे यहाँ पानी भर जाता है, बच्चे इसमें डूब जाते हैं, कचरा नहीं साफ होता, गंदगी इतना कि आग लगा दे दो बच्चे पैर जल जाता है। अभी तक कितने बच्चे गिरे? हमारे बच्चे तो नहीं गिरे हैं, लेकिन इसका बच्चा तो सामने सबाना का लड़का गिरा। हाँ, मेरा बच्चा गिरा, एक हफ्ता हो गया। शकील के लड़का का पैर जल गया, जल गया था। शकील भाई के लड़के का पैर पूरा जल गया था ये जलाने से। उसका देखो यहाँ पे इसका पैर जल गया था। देखो ये बच्चा मासूम सा बच्ची है, ये भी गिर गई थी, कहना है कि इनका ये भी गिर गई थी और ये बच्चा भी गिरा था। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो यहाँ पे खेलते हैं और ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं, तो इन्होंने भी गिरा है। तो बात करते हैं, बेटा कब गिरे थे आप? कल। कैसे गिर गए थे बेटा आप, खेलते समय गिर गए थे या फिर? खेलते हुए समय। कौन कौन गिरा था बेटा यहाँ पे? ये थी मैं था, ये आप था। भी गिर चुके हो? हाँ। और आप? हाँ। चलो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस ब्रिज के गिर जाते हैं। देख लो, आप देख सकते हैं कि किस तरह का हाल है। ये बच्चा भी गिर चुका है, बच्चा ब्रिज का वापस देख लो काम भाई है। भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है? आपका हमारा कहना ये है कि इसको वापस से बनाया जाए, बच्चे लोग गिरे नहीं, सफाई रखी जाए इसकी। लास्ट टाइम कभी सफाई हुई थी? लास्ट टाइम सब सफाई जब एकदम जाम हो जाता, जब होती है जब वही। पर अभी अभी देखा जा रहा है कि इतना जाम है तो साफ सफाई नहीं हुई, तो मतलब अब इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है ना भाई? यहाँ की नगर सेवक कौन है? अब नगर सेवक यहाँ के अभी जो है शायद रुखसाना मैडम है। ये वार्ड कौन सा पड़ता है? ये वार्ड 136 है। 136 वार्ड पड़ता है। और यहाँ पे अभी तक इतने हादसे हो गए, ये गरम गरम अभी धुआं भी नहीं कर रहा है, यहाँ से धुआं भी नहीं कर रहा है। वही अंगाल जाती है, कोई बच्चा स्लिप खा जाता है, कोई गिर जाता है, कोई ऐसे जो है दौड़ते भागते बच्चे गिर जाते हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं है। अंगाल लगा देता है कोई, जो है जब कचरा रहता है अंगाल लगा देता है कोई ना कोई बच्चा। ये ना तो ये सब होता है, ये ना बहुत गर्म होता है, जब आग लगती है ना तो इतना ना, अगर अंडा भी डाल देना पक जाता है ये। अभी हम लोग ने बच्चे लोग से बात की तो बच्चे लोग भी नंगे पैर थे, तो उन्होंने बोला कि हमें झटका लगता है, बहुत गर्म हो जाता है ये। नीचे आग लग जाती ना 5 से 10 मिनट में इतना गर्म हो गया, इसका टाका उखड़ता है। देखो ना ये उखड़ा है, देखो मैं कैमरा मैन को बोलूंगा कि ये देखो, दिखा सकते हैं आप, ये टाका भी टूट चुका है, ये बता सकते हैं? एक मिनट, बीच में टाका उखड़, देखो ये सब टाका, ये जब एकदम उखड़ जाएगा किसी का पैर, जब घुस जाएगा बच्चे का, जब तो चोट खा जाएगा, मर जाएगा, वो दूसरा हाथ पर टूट जाएगा, तब काम कर जाएगा। तो ये सबका जिम्मेदार आखिर है कौन? तो ये सबका जिम्मेदार कौन है, क्या देखते नहीं? देखो ये ऑन कैमरा मैं बता दूं, ये ऑन कैमरा मैं बता देता हूं, ये भाई गिर गए। यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, मेन ब्रिज को यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह का हाल है गोवंडी का। यहाँ की जो नगर सेविका है वो कभी भी ध्यान नहीं देती है। अभी आपने तो देखा ही होगा, ऐसे बच्चे लोग भी चले जाते हैं, कोई ना रहे, बच्चा जो मुंह के बल गिर जावे, मर जावे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो है कौन, हम बोलेंगे जब ये काम होगा। ये कचरे की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे ना कांच का टुकड़ा भी रखा हुआ है, देखो आप देख सकते हो कांच का टुकड़ा भी है, वो कांच के टुकड़ा भी है। कभी अगर वहाँ पे अगर कोई अगर यही पर्सन अगर कहीं गिर जाता वहाँ पे, तो ये सबको हादसा बहुत बड़ा होता था। हम तो खुद गिरे जो है, अभी हम खुद जो एक गिरा वो उसका बैलेंस आउट हुआ भीड़ के चक्कर में, तो सब कुछ भी होता था, बच्चे गिर ही जाते अक्सर करके। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे लोग पतंग के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, बच्चे नादान, उनको समझ थोड़ी है। ये बच्चे को भी दो टाका लगा है, बता बेटा। देखो ये बच्चा गिरा है, इसको दो टाका लगा है इसके लिए, गिरने की वजह से नाले में। देखिए यहाँ पे कितने लोग, ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। ये ऑन कैमरा था जो भाई गिर गए, और 3-4 पर्सन भी साथ में उनके गिरे। तो हम अपील करते हैं यहाँ पे रुखसाना सिद्दीकी से कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू।